ओम साई राम। श्री साई सचरित अध्याय एक। वंदना। गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत तथा उसका तात्पर्य। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमांड पंत श्री साई सचरित का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को सष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निविघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साई ही गणपति है। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साई भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो क्रमशः उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साई और वे अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भव सागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदि नाथ की वंदना करते हैं, जो कि कुंकाल में प्रकट हुए। कुंकाल वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भरद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। उसके पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक सनंदन, सनत कुमार, सुख सौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैश्पायन, नवयोगेंद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, स्वपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एक गचित होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, और जो ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्मा की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। सर्व श्री पराशर व्यास और सांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम है गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातः काल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहां का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि साईं बाबा हाथ मुंह धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके पास तो कोई है भी नहीं, और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया, और उनकी यह विचित्र लीला देखने तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से चार निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीन कर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले बाबा तो क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार हैं और ना इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा ना कोई देखरेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षा वृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन के लिए आटे की आवश्यकता क्या है। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में वितरण कर दे। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला
तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्यत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में बाबा निविघ्न तत्क्षण क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की सीमा पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विभीषिका हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारण ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने देखा था वो गेहूं नहीं वरन विभूषिका हैजा था जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच हैजा की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का परावार ना रहा, मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजा रोग का भौतिक और पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलता पूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य, शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों दुर्भाग्यों मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़ कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मज्योति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी के इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भव सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसे दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा के पावन गाथा साईं सच्चित अध्याय की इस पावन कथा को सुनकर अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी प्रभाव पड़ा हो तो कमेंट में ओम साईं राम जरूर बोलें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।